अंधेरी रात का सहारा लेकर शातिर चोरों ने पेट्रोल कर्मी को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये मामला किसनी कस्बे से 1 किलोमीटर दूर ग्वालियर बरेली हाईवे पर मौजूद सदव्यवहार पेट्रोल पंप का है, जहां पीड़ित संजू को शिकार बनाया गया। संजू ने पूरे घटनाक्रम का हाल बताते हुए कहा कि कैसे शातिर लुटेरों ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया है। संजू के बताए अनुसार मंगलवार की रात करीब 11:45 पर एक ग्रे कलर की अर्टिका कार पेट्रोल पंप के पास आकर रुकती है और किस तरह से उन दो व्यक्तियों ने इस पूरी वारदात को पूरा किया है, स्वयं संजू की जुबानी आप सुनिए। रात के 11:45 पर एक इजिप्टका गाड़ी आई, तो उसने डीजल डाला 500 का, तो हमने उसको डाल दिया, ढक्कन लगा रहे तब तक एक लड़का पीछे से गाड़ी से उतर के आया और उसने मेरी गर्दन दबा ली, मुंह बंद कर लिया, तो गाड़ी में डाल के ले गए। फिर यहाँ से कुसमरा ले जाके उधर एक जंगल है बंगूर का, उधर डाला हमने, बांध दिए रात भर, फिर किसी तरह हमने पैर छुड़ा लिए और फिर हम वहाँ से एक भारत का पंप है वहाँ पर पहुँच गया। पैदल पैदल पे वहाँ उन्होंने मेरे पीछे टैब वैब निकाला, फिर हमने अपने बाबू मालिक का नंबर दिया, तो फिर उन्होंने फ़ोन किया उनको, तब मालिक साले वहाँ पहुँचे, फिर मुझे लेके आए वहाँ से। पेट्रोल पंप पर हुए इस पूरे घटनाक्रम का हाल सीसीटीवी में कैद हो गया है। इस पर मैनपुरी एसएसपी का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही घटना का खुलासा होगा। कल रात की बात बताई जा रही, 11:30 के आसपास गाड़ी में लोग तेल लगाने के लिए आए थे और 500 तेल लगवाया और जो सेल्समैन था उसको भी साथ में गाड़ी लगा ले गए थे। कुछ दूर जाकर के उसके पास जो पैसा था उसको छीन कर उसे छोड़ दिया गया था। इसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसी घटना किया जा रहा है। अब देखना है कि अपराधों की श्रेणी में आगे रहने वाले इस राज्य की पुलिस कितना जल्दी उन शातिर चोरों की गर्दन तक पहुंचती है। मैनपुरी से राजमोहन की रिपोर्ट, न्यूज़ टाइम्स इंडिया।